तो रिसेंटली एक बयान जारी किया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो काम जम्मू कश्मीर जो है जिला पुलिस बारामूला ने लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है काउंटिंग एरिया और पूरे टाउन बारामूला। पहले लेयर में जो है हमने CAPF के एहलकार तैनात किए हैं, सेकंड लेयर में जो है कि आर्म पुलिस की नफरी तैनात है और थर्ड लेयर में जो है हमारी अपनी लोकल पुलिस जो है वो तैनात की गई है। साथ ही साथ CI और लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल QRTs का गठन किया गया है और सीनियर ऑफिसर्स की क़यादत में ये QRTs मुख्तलिफ इलाकों में तैनात की गई है। ट्रैफिक के हवाले से ट्रैफिक के लिए हमने दो मेजर कट ऑफ पॉइंट्स एक खानपुरा में और एक संग्रामा में रखा है, जहां से मेजर जो ट्रैफिक वेन्यू की तरफ आ रहा है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ टाउन बारामूला में भी जो है मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैफिक के हवाले से डाइवर्जन्स दिए गए हैं ताकि ये जो हमारा स्ट्रेच है जो आप अभी देख रहे हैं ये स्ट्रेच ट्रैफिक फ्री रहे, यहाँ पर किसी तरीके का कोई कंजेशन ना हो। जो हमारा काउंटिंग एरिया है उस काउंटिंग एरिया को भी जो है उसके 100 मीटर के दायरे का जो फासला है वो सारा एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड जोन करार दिया गया है, जहाँ पे किसी भी तरीके की अनलॉफुल असेंबली या हुड़दंग मचाने की किसी को अनुमति नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इस इंतजाम से और लोगों के पॉजिटिव कोऑपरेशन की वजह से आज का दिन पूरा तरीके से लॉ ब्रीच करने की अनुमति नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो या उनके वर्कर्स हो, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप पूरा मन तरीके से अपना इजहार जो भी करना चाहते हैं जीत का हार का वो करें, लेकिन वो पूरा मन तरीके से होना चाहिए। वेन्यू के आसपास किसी भी तरीके का गैदरिंग, किसी भी तरीके की अनलॉफुल असेंबली की इजाज़त नहीं है और ऐसे कोई भी करता हुआ पाया जाए तो उस पर कानूनन कार्रवाई। जिले के लोग और पूरी नॉर्थ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उन्होंने अब तक बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन किया है, इलेक्शन में बहुत पॉजिटिवली कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, पुलिस के साथ, जिला इंतजामिया के साथ, और उसी के नतीजे तक हमने देखा कि बड़ी मात्रा में जो है वोटिंग भी हुई 20 मई को और आज भी जो है अब तक बहुत अच्छे तरीके से लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई होगी क्योंकि आज वीकडे है, वर्किंग डे है और ट्रैफिक का डाइवर्जेंस जगह जगह पे दिए गए हैं, लेकिन अब तक जो है लोगों ने अच्छे तरीके से हमसे कोऑपरेट किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही इल्तिजा करता हूँ कि वो ऐसे ही हमारे साथ अपना तावन बनाए। नौजवान के साथ वो जो है नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और जिस तरीके से नौजवान आज के इस इलेक्शन के प्रोसेस में शिरकत किए हैं मुझे पूरा यकीन है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही रोशन है और उनके हाथ में कल की हमारी जो भागदौड़ है सारे इस मुल्क की वो उन्हीं के हाथों में है और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने हाथों से इस मुल्क का जो है मुस्तकबिल रोशन करेंगे।